पता चला कि मैं भुवनेश्वर जाने वाली हूँ शूट के लिए, तो मैं इतनी एक्साइटेड नहीं थी क्योंकि मैंने सोचा वहाँ क्या ही होगा। लेकिन जब मैं वापस आई, आई केम बैक विद सो मेनी मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस टू शेयर। ऑल आई हैड टू से वाज आई होप कभी फिर जाने मिले। क्यों? तो चलो मेरे साथ और खुद ही देख लो क्यों। Curly Tales presents Armchair Travel to Bhubaneswar. You can sit back and enjoy this virtual tour of the culturally rich city Bhubaneswar from the comforts of your home. And to actually transport yourself virtually to Bhubaneswar, remember to play this video on full screen with full volume. Welcome to Bhubaneswar. डॉट फेस्ट एक कल्चरल फेस्टिवल है जो भुवनेश्वर में होस्ट होता है और मैं इसे ही कवर करने आई थी। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं एक हेरिटेज साइट से। मैंने नहीं सोचा था कि सिटी में केव्स देखने मिलेंगे। Until of course, I was taken to the Khandagiri and Udayagiri caves, which are a historic heritage site. सुबह का वक्त था और ठंड भी, और इन केव्स की हवा में बिल्कुल शांति। तो मैं बैठ गई ऐसे ही मेडिटेट करने के लिए, एंड देन सेट टू एक्सप्लोर मोर बिट्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल केव्स। इस वक्त सुबह की कुछ 8 बजे थे और लगी थी भूख। वी सेट आउट टू लुक फॉर सम ब्रेकफास्ट स्पॉट। कुछ लोकल खाने का मन कर रहा था और हमारे ड्राइवर ने कहा ही वुड टेक अस टू अ गुड ब्रेकफास्ट स्पॉट। गर्मा गर्म घुगनी बारा खाने का मजा कुछ अलग ही था। I had never tasted this dish before and it was an excellent breakfast option. Ghugni is like the chole we have and bara is like vadas. Temple city hone ke saath saath Bhubaneswar un 20 cities mein se bhi hai jise smart city mission ke liye chuna gaya hai. Aur isi wajah se yahan aapko kafi smart solutions bhi dikhenge. सिटी को ग्रीन और पोल्यूशन फ्री रखने के लिए गवर्नमेंट ने मो साइकिल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जो इसके ऐप डाउनलोड करने पर आप एक्सेस कर सकते हो। बस क्यूआर कोड स्कैन करने पर ये साइकिल एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पर चलाई जा सकती है। इट्स जॉय ऑफ इट्स ओन जब आप सिटी के कलरफुल ग्राफिटी स्ट्रीट्स पर एक साइकिल चलाए। अब टेम्पल सिटी ऐसे ही नहीं कहते इसे, यहाँ के 2000 साल पुराने टेम्पल्स और इनके आर्किटेक्चर का कुछ अलग ही अंदाज है। तो पहले चलते हैं यहाँ के लिंगराजा टेम्पल में, जो 11th सेंचुरी में बना था। ऊपर खड़े होकर ऐसे लग रहा था कि मानो बाहुबली मूवी के सेट पर आ गई हूँ। के सफर में हमारा अगला स्टॉप है अनंत वासुदेव टेम्पल। दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉप फ्रॉम द सिटी, इसलिए क्योंकि ये ना ही एक 12th सेंचुरी का एंशंट टेम्पल है, लेकिन यहाँ पे 56 भोग रूटीन देखने का एक वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस है। मंदिर के पीछे के दरवाजे से दूर खड़े होकर मैंने देखा कि आखिर इतना प्रसाद बनता कैसे है। Also, one of the things that you definitely should know is that all of this food is cooked in earthen pots. And once the food is served, the pots are actually broken. So every time they cook, they have a new pot. और अब जब ये पूरा प्रोसेस देख लिया है, तो बारी है इस प्रसाद को चखने की। तो बैठ गई मैं नीचे मंदिर में और एक महाराज ने आकर केले के पत्ते पर खाना परोसा। The taste and the vibe of this place was unmatched. इस टेम्पल से गुजरते हुए कई अलग अलग कलरफुल नजारे देखने मिलेंगे। नदी के किनारे वो चलती हुई पूजा, कई सारे कलरफुल घर, रामलीला के कॉस्ट्यूम्स में रेडी होकर बैठे कुछ लोकल्स, और लोकल कल्चर में डूबे हुए यहाँ के लोग। बीच रास्ते में जब गुपचुप की रेडी दिखाई दी, तो मैंने जोर की आवाज लगाकर ड्राइवर को रुकने बोला। यहाँ के गोल गप्पे को ये गुपचुप कहते हैं, और ये ना ही तेज तीखे होते हैं, लेकिन इनमें फ्रेशली कट अनियंस भी होते हैं। आखिर हर इंडियन सिटी के अपने गोल गप्पे का वर्जन खाना तो बनता है। गाड़ी से गुजरते हुए लेक बिंदुसार भी दिखाई दिया, जहाँ फोटोज लेने के लिए मैं उतर के पहुँच गई।
कुछ लोकल से इस लेक के बारे में पूछा तो पता चला कि इससे कोई कहानी भी जुड़ी हुई है। अगले दिन सिटी में जरा और घूमने के बाद मैंने गाइड से कहा कि मुझे लोकल खाना ट्राई करना था, तो चलिए आपको ले चलती हूँ कुछ लोकल खाना खाने के लिए। गाइड मुझे लेकर गया यहाँ के फेमस रेस्टोरेंट में फॉर एन ओडिया थाली लंच। फूड टेस्टेड अमेजिंग। दालमा, बैगन भाजा, मशरूम बेसन राय, कखारू फुल्ला भाजा, सम ऑफ द कॉन्डिमेंट्स फ्रॉम द थाली। इतना हैवी खाने के बाद तो मानो जैसे सुकून भरी नींद ही आ गई। शाम हो गई है तो चलते हैं सनसेट व्यूइंग के लिए। सेम खंडागिरी और उदयगिरी केव्स चलते हैं, विच इज अ ग्रेट स्पॉट टू व्यू द सनसेट। सारी शाम मैंने बस उस माउंटेन पर बैठे बिताई सुकून में और उस ब्यूटीफुल सनसेट को देखते रही। भुवनेश्वर के कलरफुल घर, यहाँ का कल्चर और यहाँ के खाने के स्वाद में कुछ अलग ही बात है, थोड़ा अपनापन, कुछ नयापन। हमारे साथ और भी जगह वर्चुअली ट्रैवल करते रहने के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।